चेहरे पर मुस्कान होती है तो दुनिया भी हमारे साथ होती है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। आप सबका दोस्त ईश नारंग उपस्थित है आपके लिए एक नई कहानी लेकर। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो लगे कि हमारे जीवन का हिस्सा है, कहानी वो जो एक मैसेज दे जाए। बस ऐसी एक और कहानी लेकर आऊंगा। कहानी बड़ी पुरानी है, शायद आप सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन कहानी ऐसी है जिसका संदेश बड़ा अच्छा है और ऐसी कहानियां याद करते रहना चाहिए, बार बार सुनते रहना चाहिए। तो ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। कहानी है एक उद्योगपति घराने की, एक बहुत बड़ा उद्योगपति जिसके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, और वो एक बार अपनी टीम के साथ, अपने मैनेजर्स की टीम के साथ, अपने सीईओ के साथ किसी साइट विजिट पर जाता है। और वो साइट विजिट पर जाते हैं, दो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें मैनेजर्स बैठे हैं, एक गाड़ी में खुद उद्योगपति और उनके साथ में उनका मैनेजर और एक सीईओ, ये तीनों लोग गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। और वो जब जाते हैं वहां पर साइट विजिट पर, साइट बहुत अच्छी लगती है उनको दूर दूर तक, तो वो लोग फाइनल करते हैं कि इस साइट पर हम एक जो नई इंडस्ट्री लगानी है, उस इंडस्ट्री के लिए ये साइट को हम फाइनल करते हैं। और वो जब फाइनल हो जाती हैं सब चीजें, सब लोगों को पसंद में आती हैं वो साइट, तो वो वहां से वापस निकलते हैं। दूसरी गाड़ी में कुछ और ऑफिसर्स होते हैं, अपनी टीम और दोनों गाड़ियां वो वापस जाती हैं, और मेन ऑफिस जो उनका रहता है, मेन ऑफिस में वो लोग वापस जाते हैं। और जब वो वहां पहुंचने वाले होते हैं, गाड़ी आराम से चल रही होती है, और उनके ऑफिस के मेन गेट के बाहर, जी मेन गेट जब दूर से उनको दिखने लगता है, तो देखते हैं मेन गेट के बाहर एक बाबा जी, एक साधु बाबा। अब साधु बाबा हैं, फक्कड़ बाबा हैं, कहीं भी चल पड़ते हैं, कहीं भी निकल जाते हैं, और कहीं भी अपनी धुनी रमा देते हैं। मेन गेट के बाहर वो अपनी धुनी रमा के बैठ जाते हैं, और इस तरह से बैठते हैं कि वहां से गाड़ी का निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और ये देखकर वो उद्योगपति और वो जो आगे सीट पे बैठा हुआ मैनेजर होता है, वो बड़ा हैरान होता है कि गेट के आगे बैठ गया और किसी ने इसको रोका नहीं। अब हम अंदर कैसे जाएंगे, ये सोचकर वो गाड़ी वहां रुक जाती है। और गाड़ी रुकने के बाद वो मैनेजर ड्राइवर को कहता है कि ड्राइवर जाओ इस बाबा को हटाओ। अब वो ड्राइवर उतर के जाता है उस बाबा के पास, देखता क्या है कि बाबा की तो आंख ही नहीं है, बाबा तो दृष्टिहीन है, देख ही नहीं सकता, लेकिन ड्राइवर तो ड्राइवर ही है। और वो जाके देखता है और उसको आवाज लगाता है, ओ अंधे, तुझे पता नहीं लगता तू गेट के ऊपर बैठा है, ये ऑफिस है, बहुत बड़े आदमी का ऑफिस है, और तू गेट पे आके यहां बैठ गया है, हट यहां से ताकि हम अंदर जा सके। लेकिन वो अंधे बाबा पे क्या असर होता है, देखिए उसके जो शब्द हैं वो शब्द क्या होते हैं। एक अंधा, एक दृष्टिहीन बाबा आवाज लगाता है, ओ ड्राइवर, हम तो बाबा है, हमारा जहां मन करेगा हम वहीं बैठेंगे, जा चला जा यहां से। वो ड्राइवर जो है उसको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि एक अंधे को पता कैसे लग गया कि मैं ड्राइवर हूं। वो अंधा है, मेरी ड्रेस तो देख नहीं पा रहा है, मुझे देख नहीं पा रहा, और फिर भी उसने, और वो यही सोचता सोचता वापस गाड़ी में आ जाता है और अपने मैनेजर को कहता है कि मैनेजर साहब वो ऐसे ऐसे कह रहा है और हटने से मना कर रहा है। ये सुनकर मैनेजर भी हैरान होता है। अब मैनेजर की बारी आती है, मैनेजर कहता है रुको मैं खुद देखता हूँ, और वो मैनेजर उठ के वहां पर जाता है और उसी बाबा के पास जो कि दृष्टिहीन है, उस बाबा को जाके कहता है कि अंधे बाबा, ये उद्योगपति का ऑफिस है, उन भाई साहब ने, साहब ने, हमारे साहब ने अंदर जाना है, और गाड़ी आपके हटे बिना अंदर नहीं जाएगी, हटाओ यहां से। लेकिन इस बार फिर अंधे बाबा का जो रेस्पॉन्स रहता है वो फिर से वही कहते हैं,
अरे मैनेजर साहब, जाओ यहाँ से, क्यों परेशान करते हो? हमें आराम करने दो, कुछ ध्यान लगाने दो। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैं आराम करने यहाँ बैठ गया। ये सुनकर मैनेजर बड़ा हैरान होता है कि इसको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ मैनेजर हूँ। और ये सोचता सोचता वो वापस गाड़ी में चला जाता है। और गाड़ी में जब जाता है और वो जाके वहाँ अंदर उद्योगपति पूछता है, क्या हुआ, हम अंदर क्यों नहीं चल रहे? और वो मैनेजर और ड्राइवर अपने साथ बीती हुई बात को पूरी उनको एक्सप्लेन करते हैं। और अब उद्योगपति के साथ जो सीईओ बैठा होता है, उस सीईओ को भेजते हैं, ठीक है। और सीईओ जाता वहां पर जाता है और उन अंधे बाबा के पास पहुंचता है और कहता है, साधु बाबा, आप यहाँ आए, आप यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई कारण होगा, पर मैं चाहता हूं आप यहाँ से हट जाएं तो हमारी गाड़ी अंदर जा सके। ये सुनकर वो कहते हैं, बड़े आप बहुत बड़े ऑफिसर हो, यहाँ पर आप आए हो, यहाँ आप जॉब करते हो, पर मैं थक गया था, मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ से उठूँ, आप भी कोई और रास्ता देख लो। और ये सुनकर वो सीईओ भी थोड़ा सा हैरान होता है और वो वापस जाकर ये सारी बात अपने मालिक यानी कि उद्योगपति साहब को जाके सब बता देता है। इस बार बारी आती है उस उद्योगपति की। वो उद्योगपति गाड़ी से उतरता है और गाड़ी से उतरकर उन बाबा के पास जाता है और बाबा को प्रणाम करता है, उनके पैरों को हाथ लगाता है और उनके पास वहीं जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, बाबा आप कैसे हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक है? मुझे मेरे लोगों ने बताया कि आप बहुत थक गए थे तो आप यहाँ आकर बैठ गए। बाबा बड़ा अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर आके हमारी इस इंडस्ट्री को, हमारे इस ऑफिस को पवित्र कर दिया। बाबा उठिए, हम अंदर चलते हैं, हम चाहेंगे कि मुझे आपकी सेवा का मौका दें। और ये सुनकर बाबा ये कहते हैं, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, तुमने इतना बड़ा उद्योग स्थापित किया है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज स्थापित कर दी हैं, मुझे समझ में आ गया कैसे की है, और तुम आए हो तो मैं तुम्हारी सेवाएं जरूर दूंगा, तो उठो चलो हम चलते हैं अंदर। और वो उनका हाथ पकड़ के अंदर चला जाता है और पीछे पीछे वो गाड़ी भी चली जाती है। और अंदर जाने के बाद साधु की जो यथाचित सेवा होती है वो उद्योगपति करता है। और उसके वही मैनेजर जो उसके साथ पहले बात कर चुके होते हैं, वो साथ में बैठे होते हैं और वो बाबा से एक पूछता है, बाबा एक बात जानने के लिए हमारी टीम के ये सभी लोग बड़े उत्सुक हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं समझ गया ये क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। तो उद्योगपति कहता है, तो बाबा देरी क्यों, बताओ ना कारण, ये जो जानना चाहते हैं इनकी जिज्ञासा शांत करो। वो कहते हैं, हाँ इनकी जिज्ञासा यही है कि मुझे, मैं दृष्टिहीन हूँ, मुझे दिखता नहीं है, फिर भी मुझे इन सब लोगों के बारे में ये ज्ञान कैसे हो गया कि एक ड्राइवर है, एक मैनेजर है, एक सीईओ है और तुम ही इस कंपनी के मालिक हो। तो सब कहते हैं, हाँ हाँ बाबा ये हम जरूर जानना चाहेंगे। तो ये कहते हैं, आदमी की, व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति की बोली उसका लेवल बताते हैं। जो जितना प्यार से बोलता है, जितना रिस्पेक्ट देके बोलता है, वो उतना ही बड़ा उसका लेवल होता है। मेरे पास जब ड्राइवर आया तो उसकी बोली जो थी वो और थी, उसने मुझे अंधे कह के संबोधित किया, मैं उसी समय समझ गया था कि ये कोई क्लास 4 एम्प्लॉय होगा, तो अगर मैं रोड पर बैठा हूं तो ये जरूर ड्राइवर होना चाहिए। और जब मैनेजर ने ये कहा अंधे बाबा, तो मैं समझ गया कि इसका लेवल उससे थोड़ा सा ऊपर है। और जब सीईओ ने आके साधु बाबा कहा और मेरे को रिस्पेक्ट दे के बात करी, तो मैं समझ गया कि ये बहुत बड़े लेवल पर है और अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा है। और आपने स्वयं देखा होगा कि जब
तुम्हारे मालिक उतर के आए तो उन्होंने मेरे से हटने के लिए नहीं कहा, मेरे पास आके बैठ गए, मेरे पैरों को हाथ लगाया, प्रणाम किया। और साधु की कब कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ये सब जानते हैं। तो हमारी बोली जो है, हमारे जो बोले हुए वचन हैं, हमारे मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं, वो हमारा लेवल बताते हैं। और ये आप सब लोगों ने जीवन में कभी ना कभी जरूर देखा होगा, अनुभव किया होगा कि किस तरह से हर लेवल का व्यक्ति के शब्द अलग होते हैं। हम जहां जॉब करते हैं या हम जिस कंपनी के साथ कभी डील करते हैं, उस कंपनी में भी ऑफिसर्स और क्लास 4 के एम्प्लॉयज की बोली को जब हम देखेंगे तो उसमें ये फर्क हमें जरूर महसूस होगा। और इसके लिए, ये जानने के लिए कि सामने वाले व्यक्ति का क्या लेवल है, उसकी ड्रेस, या हमें वो दृष्टि नहीं चाहिए जिससे हम उसका लेवल भाप सकें, उसकी बोली आपको बता देगी कि क्या लेवल है। तो याद रखना है हमने कि हमारे निकले हुए शब्द, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द जो हैं, वो कितने अच्छे होने चाहिए, कितने सॉफ्ट होने चाहिए, हमने किसके साथ कैसे बात करनी है ये हमें पता होना चाहिए। ये बताता है सामने वाले को कि हमारा लेवल क्या है। और जो जितना सॉफ्ट होता है वो उतना ही ऊपर जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, मेरे जीवन में भी ऐसी कई बार घटना घट चुकी है। तो आज शायद हम अपना समय पूरा कर चुके हैं, समय से 1-2 मिनट ऊपर ही चल रहे हैं। तो आज की कहानी यहीं तक। मैसेज क्या है, संदेश क्या है, आप जान ही चुके हैं, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करना यूट्यूब पर मत भूलना, क्योंकि यूट्यूब के सब्सक्राइबर, मैं चाहता हूं सब्सक्राइबर बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी कहानी पहुंच सके, ज्यादा लोगों तक मेरी कहानी पहुंचेगी। शायद हमारा जो प्रयत्न है कि एक अच्छा संदेश सब लोगों तक पहुंच सके और उनका भी दिन एक बहुत बढ़िया से बीते, तो ये दुआ करते हुए कि सबका दिन अच्छा बीते, तो मैं ये कहानी, आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। और आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अपनी खुशियाँ अपने साथ वाले लोगों में जरूर बांटेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मैसेज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, कल सुबह तक के लिए। डोंट वरी, Be happy.